बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वो टापू समुंदर के बीचों बीच था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुंदरी जीव थे, इसलिए गिद्धों को वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहां बहुत खुश थे, इतना आराम का जीवन उन्होंने पहली मर्तबा देखा था। उस झुंड में अधिकतर गिद्ध जवान थे, युवा थे, और वो सोचने लगे कि अब जीवन भर हम इसी टापू पर रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं और नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। जब वो युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता और सोचता कि इतना आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे, यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है, ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ खड़ी होगी तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई और अपनी चिंता जताते हुए बोला, इस टापू में रहते हमें बहुत दिन हो गए हैं, मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहां से हम आए थे। यहां हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं, ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से ये बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की लाखों कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हो कि आराम के आदि हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल गए हो, ऐसे में अगर मुसीबत आई तो क्या करोगे, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने उस बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध परेशान होकर अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते, एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहां का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी हैं, कई गिद्ध लहूलुहान होकर घायल पड़े हैं। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया, तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई। घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मजे की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज यहाँ आया, उस जहाज से यहाँ कुछ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो इन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, पर जैसे जैसे उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमजोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर हमला करना तो दूर, अपना खुद का तक बचाव नहीं कर सकते, तो उन्होंने हमें एक एक कर मारकर खाना शुरू कर दिया, उनके ही कारण हमारा ये हाल हुआ है, शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। इस कहानी से सीखो कि अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता, इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रखें। जब तक आप चुनौतियों का सामना करते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे।